आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। विवाह हुआ तो दर्जे में, बच्चों ने जब पलना झूला तो डोर बंधी थी कर्जे में, मृत्यु ने जब हरण किया, मृत्यु ने जब हरण किया तो चिता सजी थी कर्जे में, सर से लगा कर पांव तलक किसान फंसा था कर्जे। राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र के साथ राज्य सहकारी संघ एवं जिला सहकारी संघ खंडवा के तत्वधान में दूध उत्पादन सहकारी समिति के सदस्यों को नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला सहकारी संघ के प्रबंधक मेहताब सिंह भदौरिया ने बताया कि दूध उत्पादन समितियों के समक्ष वर्तमान में हो रही घटनाएं और चुनौतियां को हल करने के लिए सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार में दूध उत्पादन में वृद्धि करना, दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं आहार तथा लाभदायक योजनाओं की जानकारियों से भी अवगत करवाया जा रहा है। जो आयोजन किया जा रहा है इसमें दूध उत्पादन के लिए आपने जो अभी चर्चाएं की है तो क्या इससे किसानों को लाभ मिलेगा, दूध उत्पादकों को? निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ये भारत सरकार की योजना है और इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो कि नई दिल्ली में है उसके माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के सहयोग से दुग्ध सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए और दूध सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को किस प्रकार से उनकी उन्नति हो सके उसको ध्यान में रखते हुए ये 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम इस 3 दिन में इन जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं खंडवा जिले की दुग्ध सहकारी संस्थाओं के, उनसे रूबरू चर्चा करके और उनकी जो कमियां, जो कमजोरियां आ रही है संस्था को चलाने में उसको भी हम दूर करने का कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रकार से गुजरात में श्वेत क्रांति हुई है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी, जो है क्योंकि खंडवा जिला जो है गुजरात से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की श्वेत क्रांति हो और यहाँ की दुग्ध सहकारी संस्थाएँ जो है वो अपने विकास के लिए काम करें और अपने सदस्यों के उन्नति के लिए काम करें।